जिला सोलन पत्रकार संघ ने अपने वार्षिक वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत कोठो में डमरोग की पहाड़ियों में पौधारोपण किया। इस पौधारोपण कार्यक्रम में कोठो पंचायत के उपप्रधान विकास ठाकुर ने विशेष रूप से भाग लिया। इस अवसर पर संघ सदस्यों ने डमरोग की पहाड़ी पर देवदार बांध के 100 के करीब पौधों का रोपण किया। कोविड-19 के चलते पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। पौधारोपण कार्यक्रम के उपरांत जिला पत्रकार संघ के सदस्यों ने डमरोग तथा गलानक सड़क के आसपास फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलों व चिप्स के पैकेट सहित अन्य कचरे को उठाकर डस्टबिन तक पहुंचाया गया। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान संघ सदस्यों ने पिछले साल डमरोग की पहाड़ी पर अपने हाथों से रोपे गए पौधों का भी निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि पिछले साल लगाए गए ज्यादातर पौधे जिंदा हैं, जो कि तीव्र गति से विकसित हो रहे सोलन व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के पर्यावरण को शुद्ध बनाने में मददगार साबित होंगे। जिला सोलन पत्रकार संघ के प्रधान पवन ठाकुर ने कहा कि अभियान संघ की नियमित गतिविधि के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सोलन शहर व आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाना है, साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने के लिए प्रेरित करना है। जिला पत्रकार संघ ने आज डमरोग पंचायत में कोठो पंचायत के डमरोग गांव में पौधारोपण का आज कार्यक्रम रखा था। इसमें सभी संघ के सभी सामान्य सदस्यों ने भाग लिया और अपना योगदान दिया। आज यहाँ पर बान और देवदार के करीब 100 पौधे लगाए गए हैं और पिछले साल भी संघ ने यहाँ पे 150 पौधे लगाए थे। इनमें से कम 80% अभी भी यहाँ पे जीवित है और मेरी उम्मीद है कि अगले साल हम जब यहाँ आएंगे तो यहाँ कम से कम 200 पौधे जीवित हमें मिलेंगे। हम तो सभी लोगों से ये निवेदन और हमारा सभी को संदेश रहेगा कि सभी एक एक जीवन में या हर साल अपना एक एक पौधा जरूर लगाएं, ताकि हमारा जो पर्यावरण स्वच्छ रहे और आगे आने वाले समय में जो पर्यावरण लोगों को मिले वो स्वच्छ मिले। PLTV के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।